हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ दिन पहले ही मैं गई थी मार्केट बिल्डिंग भुवनेश्वर, यानी कि यूनिट टू मार्केट, जो कि सबसे सस्ता मार्केट है भुवनेश्वर का। वहाँ पे कुछ शॉपिंग करना था। शॉपिंग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ बेसिक सा चीज़ें मुझे लेना था वहाँ से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबको दिखा दूँ कि मार्केट बिल्डिंग कैसा होता है, अगर आपने नहीं देखा हो तो। और अगर आपने देखा है तो आप लोग इस वीडियो में देख लेना कि मैंने यहाँ से क्या क्या खरीदा इस बार। तो फिर सबसे पहले, जैसे कि आप सबको वीडियो में दिख रहा है, मैं गई थी एक चूड़ियों के दुकान पे, क्योंकि मार्केट बिल्डिंग में ना बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अच्छे अच्छे चूड़ियाँ मिल जाते हैं। तो तब सावित्री होने वाला था, सावित्री का पहले का वीडियो है ये। तो मैं वहाँ से कुछ चूड़ियाँ लेके आई मेरे घर वालों के लिए, लाइक मेरे सासू माँ, मेरे मामी जी, मेरे खुद के मम्मी के लिए, तो सबके लिए कुछ कुछ चूड़ियाँ लेके आई थी। और जाते ही मुझे एक अच्छा सा स्टॉल वहाँ पे दिख गया था। ऐसे रैंडमली मैं वहाँ से शॉपिंग करती हूँ, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर इसी स्टॉल पे ही जाना है या फिर इसी दुकान से ही कुछ खरीदना है। तो चूड़ियाँ लेने के बाद फिर यहाँ से मैंने लिए अपने लिए सॉक्स। सॉक्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हर दिन, क्योंकि मुझे टैन पसंद नहीं है मेरे पैरों में। तो इसीलिए मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिटी प्रिटी सा क्यूट कलर के सॉक्स लिए यहाँ से। और एक सॉक्स का दाम था 35 रुपीज़, तो मैंने यहाँ से 4 पेयर ले लिए। देन मुझे यहाँ से लेना था दुपट्टा। और यहाँ पे अगर आप मार्केट बिल्डिंग जाते हो भुवनेश्वर में ना, आपको दुपट्टा के कलेक्शंस बहुत सुंदर सुंदर मिलेंगे। हर वेराइटी का दुपट्टा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 100 रुपये से स्टार्ट होकर 300 रुपये तक दुपट्टा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे भी एक लेना था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी एक भी दुपट्टा नहीं है। तो जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे सर ढकने के लिए एक दुपट्टा चाहिए होता है। तो इसीलिए उस दिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ से एक दुपट्टा ले ही लेती हूँ। लेकिन दुपट्टे के लिए मैंने उस दिन इतने सारे दुकान घूमे हैं कि मैं आप सबको क्या ही बताऊँ, आप सबको वीडियो में ही पता चल जाएगा। क्योंकि किसी किसी जगह पे मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, किसी किसी जगह पे मुझे क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा था, और किसी किसी जगह पे ना दुपट्टे के हिसाब से प्राइस ज़्यादा बोल रहे थे। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ दुकान देखते हैं, उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे एक अच्छा सा दुपट्टा रिजनेबल प्राइस में। तो फिर मैं यहाँ पे वही सर्च कर रही थी कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए। वैसे यहाँ पे कुर्ता के कलेक्शंस भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, और चप्पल तो भर भर के यहाँ पे दुकान आपको मिल जाएगा। डेली वेयर के लिए मुझे लगता है कि मार्केट बिल्डिंग ही अच्छा है। अगर चप्पल वप्पल लेना है आप लोग यहाँ से ले सकते हो। वैसे उस दिन थोड़ा बारिश हुआ था तो भीड़ थोड़ा कम था, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है हमेशा से। बाकी आप सबको तो पता ही होगा कि मार्केट बिल्डिंग इतना रिजनेबल और बड़ा मार्केट है कि डेली वेयर से लेके शादी की शॉपिंग भी लोग यहाँ से ही करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही गए थे उस दिन मार्केट थोड़ा बहुत घूमने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ें ले लेती हूँ। अभी तक मुझे एक ढंग का दुपट्टा भी नहीं मिल पाया था गाइस। तो कितना दुकान घूमना पड़ता है आप सबको दिख रहा होगा। ये ओनली लड़कियां ही समझ सकती है कि एक चीज़ खरीदने के लिए कितना सारा मेहनत करना पड़ता है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते चले। दोनों साइड में जो भी सारे दुकान मुझे दिखे उनको मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है, ताकि आप लोगों को अगर ड्रेसेस, कुर्ता या फिर बैग्स वगैरह लेना हो तो आपको मार्केट बिल्डिंग एक बार आके तो चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको नहीं पसंद आता है देन ठीक है। तो इतने सारे दुकान घूमने के बाद मुझे यहाँ सामने इन भैया का दुकान दिखा, जहाँ पे मुझे एक दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, और इनका प्राइसिंग भी इन्होंने बहुत ही सही लगाया था। तो ये वाले ब्लू और ग्रे कलर टाइप ऑफ ये दुपट्टा मैं लेके आई, और ये मुझे ओनली 150 रुपीज़ का मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन यहाँ से निकलते ही मुझे और एक दुकान यहाँ पर दिखा, जहाँ पर कुर्ता मिल रहा था और टॉप्स वगैरह मिल रहा था। लेकिन एक कुर्ता था कॉटन का, जो मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन जब हम लोग पास गए तो इसका कलर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, तो यहाँ से मैं नहीं लेके आई। लेकिन ये बहुत रिजनेबल था और क्वालिटी के हिसाब से अच्छा था। अगर आप चाहते हो कुछ समर कलेक्शन ट्राई करने के लिए, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे जाके खरीद सकते हो, क्योंकि एकदम प्योर कॉटन था और स्लीवलेस भी था। वैसे गाइस, अभी तक तो मेरा शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गया था, मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। लेकिन क्या करो, आदत से मजबूर हूँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा आगे चल के देखते हैं, शायद और कुछ मिल जाए लेने के लिए। वैसे तो जब भी मैं मार्केट बिल्डिंग जाती हूँ तभी मुझे मन करता है कि मैं कुछ ज्वेलरी लेके आऊँ। वैसे ज्वेलरी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, लेकिन ईयरिंग्स मुझे पसंद है। लाइक ड्रेस और साड़ी के साथ मैच करके आप लोग यहाँ से ईयरिंग्स खरीद सकते हो, क्योंकि काफ़ी सस्ते वाले प्राइस में आपको यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के ईयरिंग्स मिल जाते हैं। तो मैंने कई बार ऐसे ऑनलाइन चेक किया है, उसी ईयरिंग्स को आपको 500 दिखाएगा, 400 दिखाएगा, लेकिन सेम ईयरिंग्स आपको मार्केट बिल्डिंग में 150 या फिर 200 अराउंड आ ही जाए।
आएगा। तो इस बार भी मैंने इयररिंग्स देखे थे लेकिन ज़्यादा कुछ मुझे ऐसे पसंद नहीं आया। ये एक इयररिंग्स था जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस में देखे हुए हैं, इस तरह का डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंडिंग में था। लेकिन जब मैंने उसको ट्राई किया यहाँ पे तो मेरे चेहरे के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, तो मैंने इसको नहीं लिया वहाँ से। ये लेकिन 200 रुपीज़ अराउंड ऐसे कुछ भैया बोल रहे थे, तो मुझे लगा और सही प्राइस है, ठीक ठाक है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से ये वाला इयररिंग्स भी लेके आ सकते हो। वैसे इयररिंग्स के अलावा आपको यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ब्राइडल कलेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे ज्वेलरी के, और उसके साथ साथ फिंगर रिंग्स भी काफ़ी अच्छे थे। देन और एक दुकान पे मैं गई थी जहाँ पे इस तरह का बैग्स मिल रहे थे, क्योंकि मुझे ना लंच बॉक्स लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऑफिस के टाइम पे, तो मैंने सोचा कि एक लंच बॉक्स लेने के लिए जो बैग्स मिलते हैं उनमें से एक ले लूँ। और ये वाइट कलर का एक बैग था जो कि मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे देखने में, और भैया भी काफ़ी सही प्राइस बोल रहे थे, लाइक 100 या 120 अराउंड ऐसे कुछ बोल रहे थे। लेकिन इसका जो ये जिप था ना, ये चेन जो था इसका, बहुत ही ज़्यादा पतला था, बहुत ही वीक था, 2-3 बार यूज़ करोगे जो ये टूट ही जाएगा, इस तरह का था। तो मैंने वो नहीं लिया, एक अलग तरह का बैग था उसको मैं लेके आ गई। देन हम लोग मार्केट बिल्डिंग से बाहर निकल के आ ही रहे थे कि मुझे यहाँ पे एक दुकान दिखा जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ। तो इस बार मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे कलेक्शंस देखने के लिए मिले इयररिंग्स का। ये सारे जो इयररिंग्स मैं देखे हुए सारे हैंडमेड थे, तो इनमें से एक पेयर मैं लेके आई जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये ओनली 40 रुपीज़ का था। और जब भी आप मार्केट बिल्डिंग जाते हो तो इन वाले भैया के पास ज़रूर जाना, काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे कलेक्शंस आपको यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। देन ख़रीदारी ख़त्म होने के बाद लास्ट में हमें लेना था एक लॉन्ड्री बैग, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो लॉन्ड्री बैग तो ऑलरेडी मेरे पास एक है, लेकिन इतना ज़्यादा कपड़ा हो रहा है कि मुझे एक दूसरा वाला चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ से एक लॉन्ड्री बैग ले लिया जो कि हमें 170 या फिर 180 रुपीज़ का पड़ा। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ क्रॉकरी का सामान भी मिल जाएंगे, डिनर सेट वगैरह, ये सब कुछ तो मार्केट बिल्डिंग में मिल ही जाएगा। तो फिर इस तरह सा था इस बार का मार्केट बिल्डिंग का शॉपिंग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आप लोग मार्केट बिल्डिंग जाते हो तो सबसे ज़्यादा खरीदारी किस चीज़ का होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय।